हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा डायल पैड ऑप्शन आता है उसमें हम कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे सेव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आइकन्स में शो हो रहे हैं, तो इसमें से जो हमारा आइकन है फ़ोन वाला उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते हैं हमारे पास जो इंटरफेस आ जाता है, देख सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, पर क्लिक करना है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर के लिए इस पर एक नंबर टाइप करते हैं, जैसे कोई सा भी एक, जैसे हमें नंबर टाइप करना है ये। फिर हम इस पर ऑप्शन आ रहा है हमारा क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टू अदर अकाउंट, नहीं इस पर तो गलत ऑप्शन आ गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें नेम वगैरह को हम सेट कर सकते हैं, हमने नेम वगैरह सेट कर दिया है और इसमें हमारे पास जो नंबर भी इसमें सेव है हमारा, तो सेव कर देते हैं इसे, तो जो हमारा फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है सेव हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाकर हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर सकते हैं अपने ओप्पो डिवाइस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।